हाँ तो साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संयोजक ऑल इंडिया बाइक बोट यूनियन। कल 22 जुलाई 2019 सुबह 11 बजे ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन और बाइक बोट स्कैम, हेलो टैक्सी स्कैम, गोवे स्कैम, टॉप राइड स्कैम, एनएमएम स्कैम, जेसीबी स्कैम और अन्य इसी प्रकार के महाठगी प्रकरणों से जुड़े हुए लाखों पीड़ितों का ये आह्वान करता हूँ कि आप कल सुबह 22 जुलाई 2019 को सुबह 11 बजे दिल्ली पुलिस मुख्यालय आईटीओ मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के सामने इकट्ठे हों और दिल्ली पुलिस मुख्यालय का घेराव करके दिल्ली के पुलिस आयुक्त से मांग करें कि वो दिल्ली की आर्थिक अपराध शाखा दिल्ली पुलिस में दर्ज हुई दोनों एफआईआरों के मुजरिमों को, जिनकी संख्या लगभग 25 हो रही है, उनको अविलंब गिरफ्तार करें और बाइक बोट टैक्सी स्कैम के जो मुजरिम संजय भाटी, विनोद चौहान, राजेश भारद्वाज, विजयपाल कसाना, आदेश भाटी गौतम बुद्ध नगर की जेल में मौज ले रहे हैं, उन्हें तुरंत दिल्ली तिहाड़ जेल लाया जाए और जो बचे हुए मुलजिम हैं, चाहे वो बद्री प्रसाद तिवारी हो, दीप्ति बहल हो, सचिन हो, किरण पाल हो, रीता चौधरी हो, या जितने भी हैं इसमें, चाहे वो बैंकों के बेईमान अफसर हों, अथॉरिटी के बेईमान अफसर हों, पुलिस प्रशासन से जुड़े हुए बेईमान अफसर हों, सबको तुरंत गिरफ्तार किया जाए और उनको दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद किया जाए। कल के हमारे आंदोलन की ये अहम मांग होगी दिल्ली पुलिस के आयुक्त से। दिल्ली पुलिस मुख्यालय का घेराव करने के बाद और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को मिलकर के ज्ञापन देने के बाद, हम सब दिल्ली पुलिस मुख्यालय से संसद भवन की ओर कूच करेंगे और संसद भवन पर आकर देश के प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे और उनसे मांग करेंगे कि वो इन तमाम महाठगी प्रकरणों को सीबीआई के हवाले करवा करके जल्दी से जल्दी उन बेईमान अफसरों को, उन महाठगों को गिरफ्तार करवाएं जिन्होंने देश की लाखों जनता को लूट लिया है, ठग लिया है, चीट कर लिया है, बर्बाद कर दिया है, तबाह कर दिया है। केंद्र सरकार को समझ लेना चाहिए कि वो जनता के साथ जुल्म करेगी और ठगों को बचाने का काम करेगी तो जनता में उसके प्रति असंतोष का भाव पैदा होगा और जनता के असंतोष के सामने बड़े बड़े साम्राज्य उखड़ जाते हैं। नहीं भूलना चाहिए मोदी जी को कि वो एक लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्हें देश की जनता ने चुना है, वो कोई साम्राज्यवादी नहीं है, तानाशाह नहीं है। जब जनता क्रोधित होती है, जनता का क्षोभ बढ़ता है, संतोष बढ़ता है, तो जनता बड़े बड़े तानाशाहों को उखाड़ के फेंक देती है। ये बात नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह और निर्मला सीतारमण वगैरह को भूलनी नहीं चाहिए। वो कहाँ खोए हुए हैं, कहाँ डूबे हुए हैं, कहाँ भूले हुए हैं कि बद्री प्रसाद तिवारी के नेतृत्व में महाठगों ने देश के 10 लाख से ज़्यादा नागरिकों को ठग लिया है, 1.5 लाख से अधिक हमारे फौजी भाइयों को चीट किया गया है, उनके जीवन को नरक बना दिया गया है, उनकी ज़िंदगी को तबाह कर दिया गया है। 1.5 लाख से अधिक फौजी भाइयों की मानसिक स्थिति इस वक्त बहुत दुर्बल और हताशापूर्ण हो चुकी है। उन्हें न्याय के लिए सरकार ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है, जबकि सरकार की अनिवार्य ड्यूटी बनती थी कि जो सैनिक हमारे देश की रक्षाओं की सीमा पर दिन रात तैनात हैं, सीने पर गोली खाते हैं, भूखे प्यासे रहते हैं और बहादुरी के साथ दुश्मन का मुकाबला करते हुए देश की रक्षा करते हैं, उन सैनिकों को त्वरित न्याय दिलाने के लिए मोदी सरकार को अविलंब एक केंद्रीय शिकायत कक्ष का गठन करना चाहिए था, निर्माण करना चाहिए था, लेकिन वो तो दूर की बात है। मोदी सरकार ने अभी तक हमारे फौजी भाइयों को न्याय दिलाने के लिए, उनके मुकदमे दर्ज कराने के लिए किसी जांच एजेंसी तक का गठन नहीं किया है, ये केस सीबीआई के हवाले तक नहीं किया है।
हम अब तक दसियों बार नरेंद्र मोदी जी के कार्यालय में पत्र दे चुके हैं, उनसे मिलने का टाइम मांग चुके हैं, लेकिन वो हमारे पत्रों का जवाब तक नहीं दे रहे। नरेंद्र मोदी सरकार की ये नैतिक ड्यूटी बनती थी कि वो अविलंब इस पूरे प्रकरण के लिए एक पूरी SIT का गठन करते, पूरे स्कैम की जांच करवाते और जिन ठगों ने सरकारी मशीनरी के संरक्षण में इतने बड़े लाखों करोड़ रुपए के घोटाले को अंजाम दिया है, ठगी प्रकरण को अंजाम दिया है, उन तमाम ठगों को, उन ठगों को संरक्षण देने वाले बेईमान अफसरों को अविलंब जेल में ठूंसते, उनकी प्रॉपर्टी सीज करते और सभी पीड़ितों का पैसा मैं ब्याज के वापस दिलवाते, उनको कंपनसेट करते, उनको मुआवजा देते। लेकिन दोस्तों, बड़े दुख और अफसोस की बात है कि मोदी सरकार सोई हुई है, उसे ये स्कैम दिखाई नहीं दे रहा, लाखों पीड़ितों की पीड़ा, दुख और दर्द उसको दिखाई नहीं दे रहा। वो चैन की सांस ले रहे हैं, चैन की बंसी बजा रहे हैं, मस्त हैं, ठगों को बचाने में भूल रही है सरकार कि जनता का संतोष पनपेगा तो जनता सरकार को उखाड़ फेंकेगी। सरकार जनता से बड़ी नहीं होती है। सरकार में बैठा हर व्यक्ति, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, कोई न्यायाधीश हो, कोई अफसर हो, कोई सांसद हो, विधायक हो, लोकतंत्र में सब जनता के नौकर होते हैं। और कोई भी सरकार जनता की अवहेलना करेगी, जनता की समस्याओं का निराकरण समय पर नहीं करेगी, बेईमानों को बचाने का षड्यंत्र रचेगी, तो ऐसी सरकारों को उखाड़ फेंकने में जनता तनिक भी विलंब नहीं लगाती है। इसलिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी को कान खोल करके हमारी ये बात सुन लेनी चाहिए कि ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन अब किसी भी मूल्य पर बेईमानों के समक्ष, ठगों के समक्ष झुकेगी नहीं, और हम इनसे अपना संघर्ष करेंगे, मुकाबला करेंगे, सत्य के मार्ग पर चलते हुए, न्याय के मार्ग पर चलते हुए, और अपने सभी पीड़ित भाई बहनों को न्याय दिलाएंगे। तो दोस्तों, आप सबको कल सुबह 11 बजे दिल्ली पुलिस मुख्यालय का घेराव करने के लिए भारी से भारी संख्या में पुलिस मुख्यालय ITO दिल्ली पहुंचना है और वहां से शांतिपूर्ण ढंग से अनुशासनबद्ध रहते हुए संसद भवन की ओर कूच करना है और अपनी मांग बड़ी गंभीरता पूर्वक, एकजुट होकर, हौसले के साथ, निर्भयता पूर्वक सरकार के समक्ष रखनी है और सरकार को बता देना है, समझा देना है, झुका देना है, विवश कर देना है कि वो आप सबके साथ न्याय करेगी, आप सबका पैसा आपको वापस दिलाएगी। तो दोस्तों, मैं एक बात और इसी ऑडियो संदेश के माध्यम से आपको बता देना चाहता हूँ कि कुछ लोग कहते हैं कि साहब, ये ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन के लोग गाली बहुत देते हैं। तो हम किसी को नाजायज़ गाली नहीं देते, हम किसी से नाजायज़ अभद्र व्यवहार नहीं करते। यूनियनों का ये इतिहास रहा है सारी दुनिया में, जब से यूनियन एक्ट बना है 1936 से लेकर के अब तक, फ्रांस की क्रांति से लेकर के अब तक, अगर आप संसार की किसी भी क्रांति को देखेंगे तो वो यूनियन से जुड़े लोगों ने ही क्रांतियाँ की हैं। उन क्रांतियों की का जन्म यूनियनों से हुआ है और ये ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन भी भारत में एक अभिनव क्रांति को जन्म देगी। हम जो गाली देते हैं उन लोगों को देते हैं जो गद्दार हैं, देशद्रोही हैं, मक्कार हैं, बदमाश हैं, जो भाटी और तिवारी से मिले हुए हैं, जो हमारे आंदोलन को तोड़ने के लिए, हमारे पीड़ित भाई बहनों के न्याय के मार्ग में बाधा बनने वाले दुश्मनों को हम गाली देंगे, उनको हम प्रेम नहीं कर सकते, उनको हम मोह नहीं कर सकते, उनके साथ हम सभ्य और सभ्यता के साथ, संस्कारों के साथ नहीं रह सकते। जो लोग बेईमान हैं, ठग हैं, चोर उचक्के हैं, दलाल हैं ठगों के, राजेश पांचाल जैसे लोग, सुनील मीणा जैसे लोग, ऐसे लोगों को हम इज्जत नहीं देंगे, उनसे मोह नहीं करेंगे, उन्हें तो गालियाँ ही देंगे। और यदि वो हमारे सामने आ गए, कहीं आमने सामने बैठ कर के बात की उन्होंने, तो हम उनके साथ वही व्यवहार करेंगे जो हम इन महाठगों के साथ कर रहे हैं, अपराधियों के साथ करते हैं। हम किसी भी अपराधी को छोड़ेंगे नहीं, बख्शेंगे नहीं। हमारी लड़ाई न्याय की लड़ाई है, सत्य की लड़ाई है, इसमें किसी से हमारा कोई व्यक्तिगत द्वेष भाव नहीं है। जो भी लोग भाटी गैंग को, तिवारी गैंग को बचाने का प्रयास करेंगे, षड्यंत्र रचेंगे, चाहे वो सुनील मीणा हो, राजेश पांचाल हो, हम उनके साथ वही सलूक करेंगे, वही व्यवहार करेंगे जो हम संजय भाटी के साथ कर रहे हैं, BN तिवारी के साथ कर रहे हैं, आदेश भाटी के साथ कर रहे हैं, रविंद्र
वर्मा के साथ कर रहे हैं और जो किरण पाल के साथ करने वाले हैं, भूदेव के साथ करने वाले हैं। आप लोग इस संदेश को हर विक्टिम तक, हर पीड़ित तक पहुंचा दो कि वो कल से ही पूरी ताकत के साथ एकजुट हो जाएं। और जिस प्रकार आज हमारे साथियों ने कोट गांव में जाकर उत्तर प्रदेश शासन को हिला दिया है, उसी तरह से कल दिल्ली पुलिस मुख्यालय पर सब लोग इकट्ठे हों और दिल्ली पुलिस को, भारत की सरकार को हिला दें, बता दें, समझा दें कि यदि तुमने पीड़ितों के साथ अन्याय किया, उन्हें त्वरित न्याय उपलब्ध नहीं कराया, तो तुम्हें फिर कोई बचा नहीं पाएगा। हम हर अन्यायी का, हर अपराधी का, हर महाठक का सर्वनाश कर देंगे। जय हिंद, जय भारत।